पुरानी पेंशन बहाली कराने को सड़कों पर उतरे कॉलेज शिक्षक हुड्डा भी समर्थन में आए। सर्व कर्मचारी संघ ने केंद्र व राज्य स्तर पर 27 जून को किया व्यापक आंदोलन का ऐलान। प्रदर्शन में सभी विभागों, वार्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और निकायों के कर्मचारी शामिल होंगे। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों ने खासकर शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए राज्य के महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों ने रविवार को विभिन्न जिला मुख्यालयों पर रोष मार्च निकाले और सरकार पर पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए दबाव बनाया। सर्व कर्मचारी संघ ने कहा कि 27 जून को देश और प्रदेश के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मुद्दे पर आंदोलनकारी कर्मचारियों का समर्थन करते हुए ट्वीट किया और कहा कि वह उनके साथ है। कांग्रेस की सरकार आने पर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाएगी। हरियाणा राजकीय विद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अमित चौधरी, उपाध्यक्ष डॉक्टर अनु कुमार व अन्य ने इस पर खुलकर कहा कि पुरानी पेंशन जल्द से जल्द बहाल की जाए। संघ के प्रवक्ता डॉक्टर रविशंकर ने बताया कि सरकार पेंशन को एक इनाम समझ रही है। पेंशन नियोक्ता की मधुर इच्छा के आधार पर अनुग्रह की बात नहीं है, यह उन लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला एक उपाय है जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियोक्ता के लिए लगातार इस आश्वासन पर कड़ी मेहनत की है कि उनके बुढ़ापे में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा।